ज्योति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं, यानी जी न्यूज़ पर वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, कसम संविधान की कर। आज हम बात करेंगे, क्या देश में मुसलमानों की पहचान को खतरा है, क्या देश के मुसलमान सुरक्षित नहीं हैं, और देश के मुसलमान क्या अपने अधिकारों से वंचित हैं, क्या उन्हें वो पहचान वो सम्मान नहीं मिल रहा जिसके वो हकदार हैं। इस तरह के कई सवाल उठे हैं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद। असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक देश में मुसलमानों की पहचान को बीजेपी, RSS और केंद्र सरकार खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी मुसलमानों की हर चीज में खतरा दिखाने की कोशिश कर रही है, ये आरोप असदुद्दीन ओवैसी लगा रहे हैं। इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने असदुद्दीन ओवैसी को हेट स्पीच का हेडमास्टर बताया। तो उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने कहा कि गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने की साजिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी। इसीलिए आज ये बड़ी बहस हम लेकर आए हैं क्योंकि गुजरात चुनाव से पहले मुस्लिमों पर सियासत हो रही है। ये बड़ी बहस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुस्लिमों को देश में खतरा दिखाया जा रहा है। ये बहस जरूरी है क्योंकि ओवैसी बीजेपी को मुस्लिमों से नफरत करने वाला बता रहे हैं। ये बहस जरूरी है क्योंकि बीजेपी को मुस्लिम पहचान के खिलाफ बताया जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी द्वारा। साथ ही ये बहस इस लिहाज से भी अहम क्योंकि देश में अल्पसंख्यक PM बनाने की बात भी बार बार दोहराई जा रही है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट। मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उनको खतरा है, तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है। न डरने की जरूरत है, न डराने की जरूरत है। ये देश जो है वो सबका है, जितना उनका है उतना और लोगों का भी है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये डरा डरा करके जो है वो अपनी दुकान चलाते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? कोई टोपी और दाढ़ी को खतरा नहीं है, बल्कि असदुद्दीन के बयानों से ज्यादा खतरा है। वो चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम के अंदर तनाव पैदा हो। आप मुझ पर शक करते हैं, मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप। ये भाजपा और बीजेपी RSS गलत काम कर रही है। सर्वे कराना पूरा कराओ, मगर खाली हमारा कराए। उनको तो देश बांटना है, ये उसी प्रकार की बात करें जिस प्रकार जिन्ना ने किया था। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान बन गए इसी बात को लेकर। We should stop playing politics. It is time that you don't put a gun on a woman's shoulder and shoot. देख रहे हैं आप, सुन रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिमों के अस्तित्व को, मुस्लिमों की पहचान को खतरे में बता रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कहा कि एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी ने यह आरोप लगाया कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो मुस्लिमों के खिलाफ है। पाकिस्तान में जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव है वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। माने आप उन जगहों का सर्वे, सबका कराओ ना सर्वे, जितने बॉर्डर के इलाके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, सब जगह कराओ आप, बिहार का इलाका हो, सबका कराइए, मगर नहीं खाली राजस्थान के उन जगहों पे जहां पर मुसलमान रहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? सुनो बीजेपी वालों, RSS वालों, मुल्क के जब दो टुकड़े हुए, वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। मेरी बात बताइए, आप तकलीफ होती है अंदर से कि आप मुझ पर शक करते हैं, मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप। ये भाजपा और बीजेपी RSS गलत काम कर रही है। सर्वे कराना पूरा कराओ, मगर खाली हमारा कराएंगे। हमसे ही मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत है ही नहीं आपको। देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं। हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उनको खतरा है,
तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्हें खिलाफ है। तो असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से स्पोक्स पर्सन वारिस पठान हमारे साथ हैं, यास्मीन फारूकी नेशनल सेक्रेटरी हैं एसडीपीआई की, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। हमारे साथ विजय शंकर तिवारी हैं, स्पोक्स पर्सन है वीएचपी के, रिजवान अहमद हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और अतिकुर रहमान हैं इस्लामिक स्कॉलर हैं। पहला सवाल तो वारिस पठान मेरा आप ही से है, ये असदुद्दीन ओवैसी को रैली में जाकर वफादारी, देश के प्रति लगाव, देशभक्ति, ये सब क्यों याद दिलाना पड़ा, क्यों उन्हें ये जरूरत महसूस हुई? आदिति जी जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है तब से सेक्युलरिज्म का कत्ल किया जा रहा है, डाइवर्सिटी का कत्ल किया जा रहा है, संविधान के धज्जिए उड़ाए जा रहे हैं, एक नफरत फैलाई जा रही है, एक डराया जा रहा है हमारे हिंदू भाइयों को, हिंदू खतरे में। अरे 80% की आबादी है तो खतरे में कैसा हुआ हमारा हिंदू भाई, मगर नफरत फैलाना है। क्या करना है आए दिन, कभी हमारी टोपी से इनको एलर्जी हो जाती है, कभी हमारे नमाज पढ़ने से इनको तकलीफ, कभी मदरसे से तकलीफ, कभी इनको तकलीफ हो जाती है कि हमारी बेटी हिजाब पहन के पढ़ने जाए कॉलेज स्कूल में, उससे तकलीफ। तो एक नफरत का माहौल बनाकर, ये हिंदुओं को डराकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाकर तुष्टिकरण की राजनीति करना भाजपा ने किया 8 साल में, विकास का तो कोई काम किया नहीं है। यहीं पर बात नहीं रुकती आदिति जी, अगर आप देखिए कितनी नफरत इन्होंने भर दी है कि आज गरबा या रामलीला हो, त्यौहार है सब बनाते हैं, कुछ लोग गरबा एयरपोर्ट पे खेल रहे हैं, रामलीला का त्यौहार बनाया जा रहा है एयरपोर्ट पे किया जा रहा है, हमको कोई आपत्ति नहीं है, मगर वहीं पर देश में अगर किसी एयरपोर्ट पे या किसी स्टेशन में कहीं खड़े रहकर दो मुसलमान आदमी ने अगर नमाज पढ़ ली तो उसके खिलाफ FIR हो सकता है, केस हो सकता है, उसको जेल में डाला जा सकता है। तो आपका जो इनिशियल 1 मिनट का टाइम है वो अभी खत्म हो गया, मैं आगे आपको मंच दूंगी। विजय शंकर तिवारी, मैं समझना चाह रही हूँ, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं देश में मुसलमानों की पहचान खतरे में है, दूसरे पक्ष कहता है हिंदू खतरे में है, तो मैं ये जानना और समझना चाह रही हूं भारत में सुरक्षित कौन है? नहीं देखो, हिंदू खतरे में तो नहीं है। हाँ, ये जो कहते हैं कि हमें डराया जा रहा है और हमारे साथ वैमनस्य हो रहा है, इस प्रकार की जो बातें हो रही हैं, तो इतनी लगातार जो देश भर में हत्याएं हो रही हैं, एक साल के दो साल के अंदर दिल्ली में, अकेले दिल्ली में एक दर्जन से अधिक हत्याएं हुई, और हत्या करने वाले वारिस पठान जी के जैसे नाम लिखने वाले लोग थे और मरने वाले हिंदू थे। तो अब ये जो वैमनस्य उत्पन्न हो रहा है या जो डराया जा रहा है, कौन डरा रहा है? आप बताइए, झारखंड में अंकिता को जलाकर मारने वाला कौन था? आप बताइए, फरीदाबाद में निकिता को गोली मारने वाला कौन था? आप बताइए, जो घरों से लोग निकलते हैं और बाहर जाकर पत्थर फेंकते हैं, वो लोग कहाँ छुपते हैं और कौन लोग हैं? आप ये बताइए कि इस प्रकार की जो हत्याएं करते हैं वो छुपते कहाँ पर हैं? तो ये कौन लोग हैं? तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि डरा कौन रहा है और डर कौन रहा है। बड़ी अजीब बात है, इनको जब डर लगता तब हत्याएं करते हैं, इनका डर बड़ा अजीब प्रकार का है। यास्मीन फारूकी, जब डर लगता तो डरा कौन रहा है और डर कौन रहा है? 1 मिनट का वक्त है आपके पास। डरा कौन रहा है और डर कौन रहा है? जो इस वक्त मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं और इधर उधर की हांक रहे हैं, हिजाब पे बात कर रहे हैं, तलाक पे बात कर रहे हैं और मुद्दों से भाग रहे हैं, जाहिर है कि वही गलत रास्ते पे जा रहे हैं। और डर तो कोई भी नहीं रहा है, डर कौन रहा है? डर तो कोई भी नहीं रहा है, डरता वो है तो बोलता नहीं है। हाँ, तो बोल भी रहे हैं, हम तो बोल रहे हैं, अगर कुछ गलत है तो उसके लिए बोल रहे हैं, अगर डरे हुए होते तो बोलते नहीं। तो आप ये कह रहे हैं इस देश में कोई डरा हुआ नहीं है? नहीं, अगर डरते हो तो बोलेंगे कैसे फिर? आप तो बताइए, मैं बोल रही हूँ ना यहाँ बैठ के, वारिस पठान भी बोल रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, मैं भी एहतजाज कर रही हूँ। ठीक है, अगर आप इतने खौफजदा हैं तो आप बोल नहीं सकते। डराने की पॉलिसी चल रही है लेकिन डरने की पॉलिसी नहीं मानते। अच्छा, आप ये कह रहे हैं डराया जा रहा है लेकिन कोई डर नहीं रहा। ठीक है, डॉक्टर रिजवान अहमद, कौन डरा रहा है, कौन डर रहा है और कौन डराने के बावजूद नहीं डर रहा? एक गाना सुना होगा,
एक गाना सुना होगा दतिया आपने, वो तेरे प्यार का गम एक बहाना था सनम, अपनी किस्मत ही कुछ ऐसी है जो दिल टूट गया, ये ना होता तो कोई और गम होना था, हम तो वो कौम हैं जिसे हर हाल में बस रोना था। बस ये गाना हमारी पूरी सोच का लब्बो लबाब है। एक बात बताओ दी थी आप, कभी यूनाइटेड किंगडम में कोई हिंदू मिला पिछले 10-15 साल में ये कहता हुआ कि एक हिंदू एक दिन ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? कभी कोई यहूदी मिला ये कहता हुआ कि यहूदी एक दिन यूएसए का प्रेसिडेंट बनेगा? कभी कोई सरदार मिला ये कहता हुआ कि सरदार इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा? मनमोहन सिंह 10 साल के लिए बन गए, क्योंकि ये वो माइनॉरिटी हैं, चाहे सरदार हो, चाहे पारसी हो, चाहे यहूदी हो, चाहे ब्रिटेन में हिंदू हो, जिन्हें मेहनत करनी है और कंट्रीब्यूट करना है, कुछ देना है उस समाज को। और एक हमारी अकलियत है जिसको सिर्फ मातम करना है मातम, और भीख मांगनी है भीख, कभी ये दे दो कभी ठीक वो है, दे दो। ठीक है, आपका एक मिनट का वक्त अभी इनिशियल कमेंट के जो एक मिनट का वक्त था डॉक्टर रिजवान अहमद वो भी खत्म हो गया। अब एक कमेंट अतीकुर रहमान आपके आपसे मैं चाहती हूँ, जो सवाल मैंने पूछा था डॉक्टर रिजवान अहमद से भी, उन्होंने ये कहा कि जिसे कॉन्ट्रीब्यूट करना है उसे डर नहीं लगता, जिसकी थिंकिंग जिसका थॉट प्रोसेस सिर्फ लेने का है वो ऐसी बातें करता है। आपका जवाब आदित्य जी, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया माइनॉरिटी स्टेटस, जो वादा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था जब कुर्बानी दी उन माइनॉरिटीज ने सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए, सरदार पटेल ने हिंदू भाइयों को याद कराया था कि ये माइनॉरिटीज की इस कुर्बानी को भूलना नहीं। सेपरेट इलेक्टोरेट इसीलिए कुर्बान किए गए थे कि सेक्युलरिज्म जिंदा रहे, वो माइनॉरिटी राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है जब कोई सरकार, कोई बीजेपी आरएसएस लेड गवर्नमेंट उसको खत्म करने का बेड़ा उठाएगी तो क्या माइनॉरिटीज अपने हक की बात नहीं करेंगे? अलीगढ़ की माइनॉरिटी स्टेटस खत्म करने की कुहार सुप्रीम कोर्ट में किसने लगाई है? आए दिनों माइनॉरिटीज की राइट का चैलेंज कौन करता है? अगर आप चाहती हैं कि मुसलमान एक डेड फिश विच स्विम्स विद द स्ट्रीम बनकर रह जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का हक हमको है और वो हम लेकर रहेंगे, चाहे जिसको जो करना है वो करे। अतीकुर रहमान जी, पहली बात तो मैं नहीं चाहती ये डिबेट, अदिति त्यागी ने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया और ना ही अदिति त्यागी का ऐसा कोई अस्तित्व है जिसमें वो माइनॉरिटीज और मेजोरिटीज को कुछ कहे या उनके हक को, उनके अधिकारों को खतरे में बताए। अदिति त्यागी विक्टिम कार्ड में यकीन नहीं रखती है। अदिति त्यागी हिंदू और मुसलमान के चश्मे से भी नहीं देखती है, क्योंकि अदिति त्यागी भारतीयता के चश्मे से देखती है। मैंने सुन लीजिए, आई डिडंट इंटरप्ट यू, यू लेट मी फिनिश, डोंट इंटरप्ट मी, थैंक यू। भारतीयता के चश्मे से देखती है अदिति त्यागी और कॉन्स्टिट्यूशन को। ध्यान से सुन लीजिए, मैंने बात पूरी नहीं की अपनी, सुन लीजिए, डायलॉग का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है लिसनिंग, डायलॉग का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है लिसनिंग। सिर्फ सुनाना या स्पीकिंग एक पार्ट होता है, लिसनिंग उसका दूसरा हिस्सा है। अतीकुर रहमान, आपने अपने अधिकार की बात की, इस डिबेट में बोलने का हक मुझे भी है। आपकी तरह मैं ये गुहार ये नहीं चिल्लाऊंगी कि मुझे मेरा अधिकार लेना आता है, नहीं नहीं सुनिए, और ना ही मैं विक्टिम बनूंगी कि अरे आप मुझे बोलने नहीं दे रहे। ना विक्टिम नैरेटिव चाहिए, ना ये छीन लेने वाला तरीका चाहिए। इस देश में सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, तो फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने की भी जरूरत नहीं है और एग्रेशन की भी जरूरत नहीं है। रिजवान अहमद आपको जवाब देना चाह रहे, जवाब दे लीजिए रिजवान। डोंट फाइट विद मी अतीकुर रहमान जी, I'm telling you, debate with me, debate with me on logic, please. रिजवान अहमद आपको कुछ कहना है, सुन लीजिए रिजवान अहमद की आवाज प्लीज। तू मैं वक्त जाया नहीं करूं रिजवान। अदिति जी, आर्टिकल 84, आई माइट बी फॉरगेटिंग, आर्टिकल 84 ही है मेरे हिसाब से, वो कंडीशंस बताता है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप किस कंडीशन पे बन सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, और उसके बनने के बाद 272 फिलहाल आपको सांसद चाहिए, चाहे वो आपकी पार्टी के हो चाहे वो कोलिजन के हो, ये संविधान बताता है।
संविधान में आर्टिकल 84 में वैसे ये कहीं लिखा नहीं गया कि 75 साल बाद एक कोई, अच्छा जब ये माइनॉरिटी कहते हैं वो मुसलमान होता है, वो माइनॉरिटी से मतलब कंफ्यूज ना हो जाइएगा, ये शैडो बॉक्सिंग करने के लिए माइनॉरिटी माइनॉरिटी बोलते हैं, मतलब मुसलमान से होता है। तो ये कहीं नहीं लिखा गया है कि 75 साल बाद इस देश का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा या 90 साल बाद। भैया चुनाव लड़ेगा, जीतेगा, उतने एमपी होंगे तो भैया बिल्कुल बनेगा, हिजाब पहन के बनेगा, बुरखा पहन के बनेगा, घूंघट डाल के बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अदिति मैं आपको एक थिंकिंग बता रहा था, फिर अपनी बात करूंगा। बड़ा पैनल है, आपको तो पता ही है कुछ दिन पहले मंगलसूत्र को लेके एक स्कूल में कंफ्यूजन हुआ। हुआ क्या हुआ? लड़कियों ने तुरंत अपने मंगलसूत्र उतारे, अपने हस्बैंड्स को दिए, अपने गार्जियंस को दिए और तुरंत अंदर भागी। क्या? एग्जाम देने के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पढ़ना था, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी एग्जाम देना था। लेकिन इस देश में 17,000 ऐसी नौटंकी करने वाली, ड्रामा करने वाली लड़कियां हैं जिनको पढ़ना नहीं है, उनको हिजाब के नाम पर ड्रामा करना है। और कुछ डिबेट में बैठे ऐसे लोग हैं जो उनको मदारी की तरह डमरू बजा के नचा रहे हैं और वो नाच रही हैं। नहीं, लेकिन डॉक्टर रिजवान अहमद, सॉरी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, सवाल उस सोच पर होना चाहिए जो उन्हें इस तरफ धकेलती है, जहां उन जो समझ है वो लिमिटेड हो जाए या उन पर कोई बात थोपी जाए। सवाल सोच पर होना चाहिए, सवाल उस सियासत पर होना चाहिए और सवाल उन लोगों से भी होना चाहिए जो बच्चियों को ये उस लेवल पर जाते हुए नहीं देखना चाहते, जहां से वो सही कॉल ले सके, जहां से वो डिसाइड करे कि उसे हिजाब पहनना है नहीं पहनना है, जहां वो इस बात का फर्क कर पाए कि ये मेरा ड्रेस कोड है, ये मैं रिलीजन की क्लास के लिए नहीं आई हूं, ये मैं ज्ञान की पाठशाला में आई हूं जहां से मुझे स्किल एक्वायर करना है, मुझे इंफॉर्मेशन हासिल करनी है और रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए जगह और है। ये फर्क देने वाली शिक्षा, ये फर्क देने वाले संस्कार, ये फर्क सिखाने वाली अपब्रिंगिंग की जरूरत है। और जो ऐसा ना कर पाए, सवाल उनसे होना चाहिए बनिस्बत इसके कि हम बच्चियों से सवाल पूछें। वारिस पठान के जो सवाल यहां पर रिजवान अहमद ने उठाया, उस पर आपका जवाब, और सोच पर भी जो बच्चियों को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहती या उस थिंकिंग को डेवलप करते हुए नहीं देखना चाहती जो अपने आप में चीजों को क्वेश्चन करना सिखाए। देखिए, पहले तो मैं जवाब दूंगा कि उन्होंने कहा ऋषि सुनक साहब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, मुबारकबादी उनको पेश करता हूं मैं अपनी जानिब से। बिल्कुल, एक कलावा पहना हुआ अगर एक हिंदू प्रधानमंत्री बनता है भारतीय ओरिजिन का, बड़ी बात है। हमको उम्मीद है अल्लाह सुब्हान तआला से कि एक दिन हिंदुस्तान में हमारी भी एक हिजाब पहनने वाली महिला देश की प्रधानमंत्री बन सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बनेगी इंशाअल्लाह तआला। और बात नंबर दो भी रही आपके सवाल की, तो आदित्य जी जवाब में रही है कि हिजाब पहनना राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ चॉइस है। और अब सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पेंडिंग है, जब दो जजेस की मुख्तलिफ राय थी, एक ने अलग राय बताई, दूसरे ने अलग राय बताई, तो मैं तो जस्टिस धुलिया की राय से सहमत हूँ कि उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जिसको पहनना हिजाब वो पहन सके। और मोदी जी ने भी कहा था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो हमने उसी इस पर कहा था कि अगर हमारा सरदार भाई पगड़ी पहनकर जाना चाहता है स्कूल कॉलेज में जाए, हमको आपत्ति नहीं है, हमारी हिंदू बहन मंगलसूत्र पहने टीका लगाए जाए पढ़े कोई आपत्ति नहीं है, वहीं पर अगर हिजाब पहन के कोई लड़की अपनी मर्जी से पहनकर जाना चाहे हिजाब, जो इस्लाम में उसको एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ द रिलीजन बताया गया है, तो किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए पढ़ने, तो एक दिन हिजाब पहनकर देश के कर्नाटका कोर्ट का तो जजमेंट चैलेंज हो गया है। हमारा मानना हाँ, है हिजाब इस्लाम में, आपका मानना है, तो अभी तो कोर्ट ने तो डिसाइड नहीं किया वारिस भाई, जो उन्होंने ब्रिटिश कर्नाटका कोर्ट में जो आर्ग्यूमेंट हुए ना आदिति जी, उसको बराबर इंटरप्रेट नहीं किया गया, कुरान की आयत जो पढ़ चुकी हूँ उसको इंटरप्रेट नहीं है वारिस भाई, यही कहा गया ना कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के सवाल में गया ही नहीं वारिस भाई, जस्टिस दुलिया ने ये कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को इस दिशा में जाना नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस तो डिक्लेयर नहीं किए हिजाब को, कहा दोनों बातों में अंतर है। तो आप खुद लॉयर हैं, हमें कम से कम तथ्यात्मक तौर पर बात करनी चाहिए, तथ्यों पर बात करनी चाहिए वारिस भाई। लेकिन मेरा एक सवाल है, उम्मीद है कि वारिस भाई मेरा सवाल है, हिजाबी पीएम बनाने की बात करते हैं आपके पार्टी आपके सदर और आप भी करते हैं,
बिल्कुल, क्यों आप एक हिजाबी महिला को AIMIM का प्रमुख कब बना रहे हैं? आप एक हिजाबी महिला को MP का टिकट कब दे रहे हैं? आप एक हिजाबी महिला को सियासत में एक अहम रोल कब दे रहे हैं? भाई, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम। आपका सवाल अच्छा है जी, बिल्कुल आपका सवाल अच्छा है। मैं चाहूंगा कि सवाल आप जरा जो सत्ता में भाजपा को भी पूछ लेते कि आपने कितनी मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे दिया चुनाव लड़ने के लिए, या आज जो भाजपा के इतने बड़े बड़े बोर्ड्स हैं जो गवर्नमेंट के, कितनी महिलाएं उस बोर्ड के ऊपर चेयरमैन या आपने उनको प्रेसिडेंट बना के बिठा दिया, चलिए मुझे बताइए। किसी को मेरे तो 15 अगस्त के दिन तो मोदी जी बात करते थे नारी सम्मान की, लाल किला से खड़ा होकर, मगर सरकार क्या करती है 15 अगस्त के दिन? मेरा सवाल AIMIM से है जो इस देश में हिजाबी PM बनाने की बात कह रहे हैं, मेरा सवाल उनसे है। आप सोच लीजिए इस सवाल का जवाब, सोच लीजिए आप इस सवाल का जवाब। रिजवान अहमद, उसके बाद यास्मीन फारूकी, जल्दी जल्दी प्लीज। मैं बोलूं देश में एक दिन जी, अदिति जी, अदिति जी, आप विडंबना देखिए, विडंबना को यकीन है एक दिन होगा कि मुसलमान रोज सुबह शाम पानी पी पी के भाजपा को गालियां देता है, मोदी को, अमित शाह को गालियां देता है, और फिर उसी से यह सवाल पूछता है कि भैया तुम्हारी यहां मुसलमान MP कितने हैं, मुसलमान मंत्री कितने हैं, मुसलमान सांसद कितने हैं, मुसलमान फलाना कितने हैं। भैया ये राजनीति है, विनेबिलिटी देखी जाती है। भाजपा ज्वाइन करो, पोस्टर चिपकाओ, रैलियों में जाके नारेबाजी करो, ग्रास रूट लेवल पर काम करो, पार्टी के विस्तार में अपना योगदान दो। भाजपा तुम्हें टिकट भी देने लगेगी 10 साल बाद, 15 साल बाद। लेकिन समस्या क्या है अदिति, मांगने की कि भैया हमें MLA दे दो, हमें MP दे दो, हमको मंत्री दे दो। अरे ऐसे नहीं मिलता MLA MP, 10 साल धरातल पर मेहनत करनी पड़ती है भाई, तब मिलता है, पहली चीज। दूसरी चीज अदिति, जब इससे पहले ऋषि प्राइम मिनिस्टर की वो हारे थे रेस, तो साहब क्या मजाक उड़ रहा था कि ये UK है, UP नहीं है। जब ऋषि गौ सेवा के लिए जाते थे आपको याद होगा। हकीकत ये है जो ये लोग कह नहीं पा रहे हैं, हकीकत यह है कि मुसलमानों के सीने पे वो होता है ना किंग कोबरा, वो किंग कोबरा लोट रहा है कि एक तिलक लगाने वाला, गौ रक्षा करने वाला, गौ की पूजा करने वाला इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बन गया। अब कहीं ना कहीं ये चिड़ निकालनी है, कहीं ये खीस निकालनी है, तो फिर शगुफा छोड़ दिया, हिजाबन इस देश की प्रधानमंत्री बनेगी। अरे बिल्कुल बनेगी यार, संविधान से बनेगी ना, या शाहीन बाग पर बैठकर इस अपनी इस डिमांड के लिए भी धरना प्रदर्शन शुरू कर दोगे तुम लोग? ठीक है, जवाब दीजिए अतीकुर रहमान, वाइस पठान और यास्मीन फारूकी मैम, जल्दी जल्दी प्लीज। नहीं, मैं कोई भी शैतानी हरकत का जवाब देने नहीं बैठा हूं है? क्या अतीकुर रहमान, क्या आप चाहे तो मैं डिबेट छोड़ सकता हूँ? नहीं नहीं सर, वो तो खैर आपका कॉल है, मैं थोड़ी ना आपसे कहूंगी कि आप रहिए या ना रहिए, आपकी मर्जी है। आप अपने इन शैतानी दिमाग वालों का एजेंडा चलाइए। अच्छा, शैतानी दिमाग वालों का एजेंडा, शैतानी दिमाग वालों का एजेंडा अतीकुर रहमान, थोड़ी देर पहले कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे आप, शैतानी दिमाग वालों का एजेंडा और उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन। अतीकुर रहमान जी, अतीकुर रहमान जी, मे आई लीव? सर इट्स अप टू यू, आई एम नोबडी टू गिव यू द परमिशन, इट्स परफेक्टली योर कॉल, प्लीज फील फ्री टू टेक योर कॉल। वारिस पठान, बस इतनी ही देर लगी इन्हें, सिर्फ इतनी ही देर लगी कॉन्स्टिट्यूशन की डाइवर्सिटी, डिसेंट, इतनी ही देर लगी फ्रीडम ऑफ चॉइस, उसमें अब ये भी डिसाइड कर रहे थे कि गेस्ट कौन आना चाहिए। अतीकुर रहमान जी को कुछ ही मिनट लगे डिसाइड करने में फ्रीडम ऑफ चॉइस से, ये कहने में कि मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा, ये तो एजेंडा चलाते हैं, बस इतनी ही सहिष्णुता, इतनी ही टॉलरेंस है। वारिस पठान और यास्मीन फारूकी मैम। आतिक भाई जो है इस्लामिक स्कॉलर है, सक्षम है अपनी बात रखने को, अब उनकी पर्सनल राय, पर्सनल ओपिनियन, ना आपको उन्हें डिफेंड करने की जरूरत नहीं, आपको किसी को भी डिफेंड करने की जरूरत नहीं, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने आए वारिस भाई, आप अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें।
मेरी पार्टी का तो साफ मानना है ना आदित्य जी के, देश तो संविधान पे चलता है और संविधान पे हमको यकीन है कि हिंदुस्तान की एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला बन सकती है प्रधानमंत्री देश की, क्यों नहीं बन सकती, बनेगी। मगर आज देखा जा रहा है कि देश में एक जो माहौल फैलाया जा रहा है ना आदित्य जी, उसके ऊपर तो आप चर्चा कर लीजिए कि मुसलमानों को हर रीत से किस तरह, आप देखिए राजस्थान के बॉर्डर पे MHA जो है अमित शाह के अंडर में आता है होम मिनिस्ट्री, वहां सर्वे करा रही है, क्यों, क्योंकि वहां पे मुसलमान का पॉपुलेशन है। लेकिन दूसरी और ये बोलते हैं कि डिविडेंड डेमोग्राफिक ये चल रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डरा रहे हमारे हिंदू भाइयों को कि मुसलमानों का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। दूसरी तरफ और भी तो बॉर्डर है, हिमाचल का है, जम्मू का है, हर जगह के बॉर्डर है, वहां पे क्यों सर्वे नहीं कराना चाहते ये लोग अमित शाह लोग। और ये अमित शाह, मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, अश्विनी उपाध्याय करके सुप्रीम कोर्ट के वकील है, आपके डिबेट में भी मेरे साथ बैठे थे, उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर एक कानून बनाया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भाजपा की सरकार है, भाजपा की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिप्लाई फाइल किया और यह कहा कि अश्विनी उपाध्याय की याचिका को खारिज किया जाए विद कॉस्ट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरफ तो यह मान रही है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन नहीं है, TFR रेट नीचे जा चुका है, रिप्लेसमेंट हम अचीव कर चुके हैं, और दूसरी तरफ वो लोग जाके अगर राजस्थान के बॉर्डर पर जाकर मुसलमानों की आबादी वहां बोलते हैं हम सर्वे कराएंगे, तो क्या बीजेपी का आपको हिपोक्रेसी नहीं दिखता? इसीलिए हम बार बार कहते हैं ना कि भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है वो मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने एक जंग छेड़ दी है। क्या गलत हम बोलते हैं, हिजाब से शुरू कर दिया, मदरसे पे आ गई, मुसलमानों के खिलाफ जंग छेड़ दी है, ठीक है, इस हद तक हलाल मीट पे आ गई, खाने पीने पे आ गई ये बात, तो हर रीत से अगर मुसलमानों को आप डराने की कोशिश करेंगे, मगर मुसलमान सक्षम है, डरता नहीं है, संविधान हमारे साथ है, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात करते हैं, डेमोक्रेसी में रहते हैं, डिसएग्री है, जो डरने डराने वाली भाषा ये सियासत में यूज होती है, डिफिकल्टी होगा, ये जो डरने डराने वाली भाषा है बारिश पठानिया की, सिर्फ और सिर्फ सियासत में यूज होती है, ग्राउंड पर यूज नहीं होती। एक सेकंड रिजवान अहमद, मैं आगे आपको फ्लो दूंगी, या रिजवान भाई की आइडियोलॉजिकल डिफरेंस होगा तो कोई दुश्मनी नहीं हो गई है हमारी, देश के नागरिक है हम तीनों, अपनी अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, मैं अपनी बात रखता हूँ, रिजवान भाई अपनी बात रखते हैं, सब अपनी अपनी बात रखते हैं, सबको अधिकार है बोलने का, आप अधिकार तो नहीं छीन सकते मेरा भी है, किसी का भी नहीं, अधिकार तो किसी का छीना ही नहीं जा रहा है, अधिकार छीन कर रहा है, कौन छीन रहा है, यही तो डिबेट है आज। विजय शंकर तिवारी ये कह रहे हैं भाजपा, अब आप मेरी बात पे आए, अरे सुन तो मेरी बात पे, अरे आपकी बात पे कहां आई, सवाल तो पूछ लूं मैं, छीन रही है, सबको लग रहा है कि सब जीत रहे हैं, बोलने का अधिकार, चाहे रेस में कोई दौड़ रहा हो ना और दौड़ रहा हो, लेकिन सबको लग रहा है मैं जीत रहा हूं, अकेले ही रेस में दौड़ रहे हूं मैं, सबको लग रहा है मैं ही जीत रहा हूं सरकार के खिलाफ, प्लीज एक सेकंड, मैं डिबेट दर्शकों के लिए करती हूं वारिस भाई, प्लीज प्लीज आराम से डिबेट हुई, आराम से होनी चाहिए, प्लीज। विजय शंकर तिवारी, मुसलमानों के खिलाफ इस देश में जंग छिड़ी हुई है। देखो तीन बातें हैं अदिति, एक तो अयोध्या में राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बन रहा है, क्या वो असंवैधानिक तरीके से बन रहा है क्या? जम्मू कश्मीर में वहां के लोग धारा 370 और 35A के बंधन से मुक्त हो गए हैं, मुक्त होकर के जीवन जी रहे हैं, अपना विकास कर रहे हैं, क्या वो असंवैधानिक है क्या? अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो वहां के अल्पसंख्यक हैं, पीड़ित हैं, वो वहां से देश छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, अफगानिस्तान में तो सब निशेष हो गया, उनको अगर भारत में बसाने की संवैधानिक तरीके से CA के माध्यम से बसाने का तरीका क्या वो असंवैधानिक है क्या? तो जो काम अभी संविधानगत संविधान के दायरे में रह करके भी पठान साहब कह रहे थे कि हम संविधान के दायरे में हैं, तो ये क्या संविधान के बाहर है क्या? अगर ये संविधान के बाहर नहीं है तो इनको असंवैधानिक क्यों किया गया? दूसरी बात पठान साहब, अभी एक बात आई हिजाबन की, तो हम कहते हैं कि अगर केवल महिला की बात होती तो प्रतिभा पाटिल इस देश की राष्ट्रपति हुई, श्रीमती इंदिरा गांधी इस देश की प्रधानमंत्री हुई, महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री हुई, और इसके बाद अगर हिजाबन की बात कही जा रही है तो शाहबानो सुप्रीम कोर्ट में कुछ पैसे सुप्रीम कोर्ट ने उस हिजाबन शाहबानो को दिए थे कि तुम इससे अपना घर चला सकते हो, ये यही लोग हैं जो आज हिजाबन को प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, यही लोग उस हिजाबन बेचारी के कुछ रुपए मिलने पर अड़ंगा लगा दिया था और संसद में कानून ला दिया था। अब ये विमर्श समाज को करना है कि हिजाबन वाला विषय पर ये कितने गंभीर है। हम कहते हैं अपनी पार्टी के अध्यक्ष तो बना लो किसी हिजाबन को, मना किसने किया है? इस देश में किसी ने विरोध तो नहीं किया अभी तक, मना नहीं किया किसी ने,
ठीक है, जवाब लीजिए पहले वारिस भाई आप, उसके बाद यास्मीन फारूकी जी से सवाल है। प्लीज वारिस पठान, 30 सेकंड में दूंगी रिजवान अहमद आपको आगे। देखिए अभी विजय साहब ने बात बताई आर्टिकल 370 की, इन्होंने जिक्र किया, तो आर्टिकल 370 का जब एब्रोगेशन हुआ था तब तो केंद्र सरकार ने कहा था कि अब वहां से आतंकवादी गतिविधि एकदम खत्म हो जाएगी, हमारे हिंदू पंडित भाई जो वहां के आके रह सकते हैं आराम से, सब सुकून हो गया कश्मीर में। मगर आप खुद देखिए हमारे कश्मीरी हिंदू पंडित भाई जो, उनका तो आए दिन कत्ल किया जा रहा है, मारा जा रहा है उनको, तो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं कि हमको यहाँ नहीं रहना, हमको तो वापस जाना है। तो उसमें मोदी सरकार क्यों खामोश है, क्या नीति आपकी फेल नहीं हुई? आप जब बात कर रहे हो राम मंदिर की तो आप सोचिए राम मंदिर का आदेश भाजपा जो बोलता ना हम हिंदू, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, आपने क्या किया उसके अंदर? अरे अगर सोचिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो रहा था उस दिन अगर बाबरी मस्जिद हमारी वहां होती तो आज जजमेंट ही पूरा अलग होता। ये तो हमारी मस्जिद को आपने बेवकूफ बना के, कांग्रेस सरकार भी साथ में शामिल है, इन्होंने सबने बेवकूफी करके हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया, तो आज मंदिर बन रहा है। मगर हमारा तो मानना आज भी है ना, एक बार जो मस्जिद की है चले जाते हैं, बेहतर होगा कोर्ट ने जो बात सेटल कर दी है उसे एक्सेप्ट कर लिया जाए। वारिस पठान ठीक है, प्लीज अब एक सवाल में यास्मीन फारूकी से दूंगी, ये पुरानी डिबेट है। देखिए वारिस भाई, हर डिबेट में एक ही पॉइंट दोहराने से दर्शकों को कोई नई चीज नहीं मिल रही है। राम मंदिर को लेकर हमारे आपके बीच 50 डिबेट हो चुकी है, आपने सेम ही पॉइंट रखा और हर बार मैंने यही कहा जब कोर्ट डिसाइड कर चुका है तो इस बात को बार बार उठाने के पीछे मंशा क्या है। लेकिन यास्मीन फारूकी जी, असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमानों के अस्तित्व को लेकर जो कहा था, जरा वो रिएक्शन एक बार फिर से चलाइए। जो बॉर्डर का इलाका है पाकिस्तान से, वहां पर जहां कहीं भी मुसलमानों के गांव हैं वहां पर अमित शाह साहब सर्वे कराएंगे, डेमोग्राफी और पॉपुलेशन जानेंगे। माने आप उन जगहों का सर्वे, सबका कराओ ना सर्वे, जितने बॉर्डर के इलाके, चाहे राजस्थान हो, गुजरात हो, जम्मू का हिस्सा हो, कश्मीर का हिस्सा हो, अरुणाचल प्रदेश का हो, सब जगह कराओ आप, बिहार का इलाका हो, सबका कराइए, मगर नहीं खाली राजस्थान के उन जगहों पे जहां पर मुसलमान रहते हैं। इतनी नफरत क्यों है? आप होते कौन है हमारी वफादारी पर शक करने वाले? सुनो बीजेपी वालों, आरएसएस वालों, मुल्क के जब दो टुकड़े हुए वो मुसलमान राजस्थान का पाकिस्तान को नहीं गया तिरंगा लहराता है 15 अगस्त को और 26 जनवरी को। मेरी बात बताइए, आप तकलीफ होती है अंदर से कि आप मुझ पर शक करते हैं, मेरी वफादारी पर सवाल उठाते हैं आप? ये भाजपा और बीजेपी आरएसएस गलत काम कर रही है, सर्वे कराना पूरा कराओ मगर खाली हमारा कराएंगे, हमसे ही मोहब्बत, दूसरों से मोहब्बत है ही नहीं आपको। देश में दिल्ली में प्रधानमंत्री बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सब खाली जबानी बातें हैं। हलाल गोश्त खतरा है, मुसलमान की दाढ़ी खतरा है, मुसलमान की टोपी खतरा है, मुसलमान का खाना पीना ओढ़ना बिछोना उनको खतरा है। तो बीजेपी जो है मुस्लिम आइडेंटिटी के खिलाफ है, तो हर चीज के उन्हें खिलाफ है। यास्मीन फारूकी जी, जो बातें अभी असदुद्दीन ओवैसी को आपने कहते हुए सुना, आप इनसे 100% इत्तेफाक रखती हैं या आपको लग रहा है ये सिर्फ सियासत है? अदिति जी, ये उनकी सोच है, मैं ना तो उन पे पाबंदी लगा सकती, ना मैं कुछ बोलने का हक रखती हूं। उनकी सोच है, वो जैसा चाहे सोच सकते हैं। बार बार एक सवाल आ रहा है कि हिजाबी, हिजाब का क्या मतलब है अदिति, के सर पे दुपट्टा ओढ़ना मैं बैठी हूँ या मैं सर पे दुपट्टा ओढ़ रही हूँ? तो मेरे यहाँ जो राजस्थान की सीएम थी वसुंधरा राजे सिंधिया, हमेशा ज़्यादातर सर पे साड़ी ओढ़े रहती थी, तो ये तो मेरे लिए कोई मायने ही रखती नहीं बातें। लेकिन अदिति, आज एक आपसे शिकायत है ज़ाती तौर पर कि रिजवान साहब ने इतनी बुरी तरह महिलाओं को कहा, आप हमेशा महिलाओं को बहुत फेवर करती हैं कि बच्चियों को नचा रहे हैं, डमरू पे नचा रहे हैं, बच्चियां नाच रही हैं, ऐसे अल्फाज कम से कम मुझे ऐसा लगा कि इस तरह के अल्फाज बोलना उनके ऊपर और जिस तरह की लैंग्वेज वो इस्तेमाल करते हैं, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं और वो इस तरह की कि मन में आग लग रही है मुसलमानों के, उन्होंने लोगों के सांप लौट रहे हैं दिलों में, क्या दिलों में झांका है उन्होंने हमारी खुशी? एक मिनट, मतलब उनमें क्या ये मिनट, एक मिनट,
नहीं मैं जवाब नहीं ले रही रिजवान साहब, मैं आपसे बिल्कुल जवाब नहीं, जवाब नहीं दिला रही मैं, जवाब पूरी कर लीजिए अदिति, आपसे आप बात पूरी कर लीजिए। और मैम एक सेकंड क्योंकि आपने जिक्र किया, एक सेकंड, आपने जो जिक्र किया मैम उस पर आपने मेरा काउंटर भी सुना होगा, और रिजवान अहमद वो काउंटर भूले नहीं होंगे, क्योंकि मैंने उनसे सीधी बात यही कही थी कि बच्चियों पर सवाल नहीं उठना चाहिए, सवाल उस सोच पर उठना चाहिए जो बच्चियों को बेड़ियों में रखना चाहती है, जो उन्हें वो संस्कार नहीं दे पाती, जहां वो सही और गलत का फासला तय नहीं कर सकती या सही और गलत का फर्क नहीं कर सकती। ये मेरा इंस्टेंट ऑब्जेक्शन था अदिति काउंटर, और मुझे उम्मीद है आपने सुना होगा ये। अदिति काउंटर अच्छा था, अदिति काउंटर अच्छा था, मेरा जवाब सुन लीजिए, लेकिन उनको ये डांटना भी जरूरी था, आपको बच्चियों के इस तरह अल्फाज कहने का हक नहीं है। मैम आप खुद ही कह रही हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट किया इंस्टेंटली, ये बहुत बुरी बात, आप मानती हैं ना ये बात कि मैंने इंस्टेंटली ऑब्जेक्ट किया? नहीं नहीं नहीं, और उस पर उन्होंने सहमति भी जताई कि सोच को लेकर सवाल उठना चाहिए। हम क्यों बार बार एक ही पॉइंट पर, अगर हम पूरी डिबेट निकालना चाहती हैं तो उस मुद्दे पर डिबेट कर सकते हैं, आप बात पूरी कर लीजिए। अदिति उनको ये टोकना, तो मैम ऑब्जेक्शन कहाँ आया, आपत्ति आई कहाँ, उनके कमेंट पर ही तो आपत्ति आई भाई, उनके कमेंट पर ही मैम आपत्ति आई थी, उनके कमेंट पर ही आपत्ति आई थी। मैं आपको क्लिप भेजूंगी दोबारा, बीच में कहीं गैप रहा है। दूसरी बात पे आइए कि जी मुसलमानों के दिल पे सांप लौट रहे हैं, उन्हें कैसे पता, दिलों के हाल जानते हैं वो। हम कितने खुश हैं कि हमारे, हम कितने ट्विटर पे डाल रहे हैं लोग, मुसलमान हजारों मुसलमान, उन्होंने मुसलमानों को टारगेट बनाया हुआ है कि दिल पे सांप लौट रहे हैं। कितनी छोटी और ओछी बात है ये, आपको दिलों के हाल मालूम है, नाउजुबिल्ला खुदा हो गए आप। तीसरी बात ये है कि देखिए, ये असदुद्दीन ओवैसी कहें, अदिति या कोई भी कहे, जो एबिल होगा, जो काबिल होगा, वो किसी भी तरह का होगा, वो उस जगह पे जाके बैठेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। इसलिए किसी के भी ये कहने पे कि हिजाबन बैठेगी या ये नहीं बैठेगी या वो नहीं बैठेगी, ना तो वो बैठ जाएगी ना वो हट जाएगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि टैलेंट से कोई कहीं पहुंचेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये अपने आप में पॉइंट है कि प्रजातंत्र में आप चुने जाते हैं, आपको वहां पर बैठाया नहीं जाता, ठीक है। रिजवान अहमद जी, अब मैं आता हूं, बिना जवाब का जवाब दिए, कोई डमरू बचा रहा है, कोई नाच रहा है, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता, लोहे के चने चबाना, ये सब मुहावरे होते हैं, और इनको समझने के लिए इंसान का दिमाग विकसित होना चाहिए, ये पहली गंदगी में नहीं। दूसरी चीज, आप एक सीधी सी बात है कि आपने लड़कियों के लिए गलत बोला है, काउंटर मारूंगा अभी कि हाँ मुझे नहीं, बच्ची अब मैं काउंटर मारूंगा, फिर आप नहीं बोल रही हो, ठीक, इस तरह शांत हो जाओ, आप शांत हो जाओ। अब अदिति आप सुनो, अगर अदिति आप ये कह रही हो, अगर आप ये कह रही हो, अगर आप अदिति ये कह रही हो कि 17,000 लड़कियां जो हिजाब के लिए तालीम छोड़े बैठे हैं, वो 17,000 की 17,000 बिल्कुल बेगुनाह हैं, बिल्कुल उन्हें गुमराह कर दिया गया है, बिल्कुल उन पर दबाव है, वो सब पढ़ना चाहती हैं लेकिन उन्हें पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो अदिति यहां पर आप गलत हो, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू योर एक्सपीरियंस एंड योर एक्सपर्टीज। दूसरी बात, तीसरी बात, हमारे डिबेट में हमेशा एक मुद्दा उठाया जाता है, महंगाई इतनी है, रोजगार नहीं है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, और यह भी कहा जाता है कि भाजपा भटकाने के लिए ये मुद्दे लेके आती है। अब ऋषि सुनाक को भाजपा ने तो वहां का प्रधानमंत्री बनाया नहीं, पहली चीज। दूसरी, ऋषि सुनाक के बनने के बाद भाजपा ने तो कहा नहीं तुम मुसलमान औरत बनने का यहां पर मुद्दा उठाओ कि हिजाबन एक यहां की प्रधानमंत्री बनेगी, भाजपा ने तो नहीं कहा ना, किसने कहा, कांग्रेस ने कहा और AIMIM ने कहा। फिर यही लोग डिबेटों में बैठ के बोलते हैं कि महंगाई की बात करो, इन लोगों को यह बात नहीं पता होगी, मैं बता दूं कि ऋषि सुनाक जी के प्राइम मिनिस्टर बनने के पीछे यूनाइटेड किंगडम की जो बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था है वो है इसका मेन कारण, जो लिस्ट रूस को हटा के इनको बनाया गया है, लेकिन वहां की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था इन लोगों को नजर नहीं आएगी, इन्हें सिर्फ हिंदुस्तान की नजर आएगी, और खुद ही ये मुद्दे उठाते हैं, और उन मुद्दों पर जब डिबेट होता है तो टीवी पर बैठ के बोलते हैं कि पेट्रोल की और महंगाई की बात करो, ठीक है। अब रिजवान अहमद विद ड्यू रिस्पेक्ट,
गोइंग बैक टू माई कॉमेंट, टॉपिक ही नहीं, मैंने क्वांटिफाई नहीं किया 17,000 की, 18,000 की, 16,000 की, 15,000 मैंने क्वांटिफाई नहीं किया। पहली बात, मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स के अगेंस्ट रही हूं। तीसरी बात, मैं ये जरूर मानती हूँ, मैं ये जरूर मानती हूँ कि किसी भी सोच को लेकर सवाल उठने चाहिए, वो सोच जो सही और गलत के बीच के फासला ना समझा सके या फर्क ना समझा सके या बच्चियों को पीछे खींच कर रखे, मुझे उस सोच पर सख्त आपत्ति है और मेरे डिबेट्स में मैं उस सोच पर सवाल उठाती रही हूँ और आगे भी मैं वो सवाल उठाऊंगी। लेकिन वारिस पठान, वापस उस सवाल पर लौट रही हूं जो सवाल हिजाबी पीएम से जुड़ा हुआ है, जो अभी यास्मीन फारूकी ने पॉइंट उठाया और जो कि अपने आप में अहम पॉइंट है। और मैं पहले भी आपको काउंटर करना चाह रही थी जब आपने ये कहा कलावा पहने हिंदू ऋषि सुनक, आपने जो उनके व्याख्या करने की कोशिश की, ऋषि सुनक क्या कलावा पहनने के लिए, ऋषि सुनक क्या हिंदू होने की वजह से उस पीएम की पोस्ट पर पहुंचे हैं, या जो उनका 7 साल से ज्यादा लंबा करियर जिसमें उन्होंने बोरिस जॉनसन कैबिनेट में नंबर 2 भी की भूमिका निभाई, जिसमें उनके अपने बड़े स्टेप्स रहे, उनके अपने डिसीजंस रहे, उनकी अपनी पोल कैंपेनिंग रही, वो सब इसके पीछे है? देखिए, जाहिर सी बात है अदिति जी, सब जानता है, दुनिया जानती है कि जो यूनाइटेड किंगडम की फिलहाल आर्थिक स्थिति है वो खराब है। इकोनॉमिक वाइज थोड़ा सा वहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा था, जिसकी वजह से ली स्ट्रस जो अभी थी इनके पहले की प्रधानमंत्री, उनको जाना पड़ा, अब ऋषि सुनक बने। मगर 2 दिन से हमारे देश के अंदर तो यही चल रहा है ना, हर तरफ फोटो भेजे जा रहे हैं, हमको वीडियो भेजे जा रहे हैं, देखो कलावा पहने हुए हाथ दिखाए जा रहे हैं, उसके ऊपर बांधा हुआ है। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ऋषि सुनक साहब अगर बन सकते प्रधानमंत्री कलावा पहने वाले, तो हमारी देश की भी एक हिजाब पहने वाली बेटी बहन क्यों नहीं बन सकती। हमने ये तो नहीं कहा ना कि MIM से ही बनेगी, हमने तो ये कहा कि भारत देश की बेटी बनेगी ना, बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी 2014 के पहले किसी ने सोचा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? वो तो अडवाणी जी वगैरह सब थे जिनको उन्होंने साइडलाइन कर दिया, सही बात है। ठीक है, हमारे लोकतंत्र की तो खूबसूरती ये है कि यहाँ पर अदिति त्यागी हो, वारिस पठान हो, रिजवान अहमद हो या यास्मीन फारूकी हो, अगर ग्राउंड पर काम करने के लिए तैयार है और जनता की चॉइस है, जनता की पसंद है, तो इस देश की हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तक पहुंच सकती है, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं। और वही इस देश की डेमोक्रेसी की, इस देश के लोकतंत्र की खूबसूरती है और इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन को इतना स्पेशल बनाती है। लेकिन एज अ पोलिटिकल पार्टी AIMIM, क्योंकि आप बार बार हिजाबी पीएम को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी का यह बयान नया नहीं है, ये कई बार वो बात कह चुके हैं, महिलाओं को लेकर AIMIM का क्या प्लान है? 3 कदम आप मुझे बता दीजिए। देखिए, हमारा पहले दिन से बोलना था, जब मोदी जी ने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हिजाब के ऊपर कंट्रोवर्सी चली आती थी जी, तब हमने क्या कहा था, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी पढ़े, उसके एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, सर पे हिजाब हो, पढ़ लिख के एक दिन देश की अच्छी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, जर्नलिस्ट बने, एक दिन देश की प्रधानमंत्री। मेरा आपसे जो सवाल है, 3 कदम एज अ पॉलिटिकल पार्टी विमेन रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करने के लिए। भाई, जब आप माइनॉरिटी की बात करते हैं उसमें महिलाओं को स्पेस देते होंगे ना? देखिए बिल्कुल, आप आके देखिए, हमने अभी फिलहाल गुजरात के इलेक्शन के अंदर 4 सीटें घोषित की है, सिर्फ अब तक 4 में से 1 हमने महिला को घोषित किया है अहमदाबाद से, जो हमारी दलित बहन है। तो हम तो महिलाओं का नाम पहला लिया है, तो ओवैसी साहब ने उसको घोषित किया है, उम्मीद के यहाँ से उम्मीदवार रहेगी दानी लिमड़ा से, वो वहाँ कैंपेनिंग भी कर रही है और अब देखिए उसके साथ में। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए, AIMIM की प्रमुख एक महिला कब तक बन पाएगी आपके हिसाब से? ये तो सवाल आप भाजपा को करिए ना कि कब AIMIM आपकी पार्टी की बीजेपी की पार्टी बनाएंगे, किसी को MP, अरे बीजेपी, आप बीजेपी तो आपके हिसाब से कुछ करने में सक्षम नहीं है ना वारिस पठान? आप यही कहते हैं ना, कुछ नहीं कर सकते, आपकी पार्टी सक्षम है, आप मुस्लिमों के रहनुमा क्लेम करते हैं खुद को, तो कोई तो आपके जहन में कोई साल होगा ना कि भाई ये साल है, ये हमारी एक विजन है जिसमें एक महिला प्रेसिडेंट होगी AIMIM की, ऐसी कोई विजन है आपकी? 10 सेकंड। असद ओवैसी साहब ने क्या कहा कि या मेरे जीते जी या हमारे बाद भी हम ये चीज देखेंगे, आप भी अगर जिंदा रही तो आप देखेंगे, मैं अगर जिंदा रहा तो मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर आपकी विजन की बात कर रही हूँ सर। वॉक द टॉक भी बनेगी, वॉक द टॉक। आप कह रहे बीजेपी ने ये नहीं किया, अरे बीजेपी को तो आप ऑलरेडी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, बीजेपी को तो आप ऑलरेडी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, मैं तो आपकी पार्टी की विजन की बात कर रही हूँ। खैर, डॉक्टर रिजवान अहमद, उसके बाद विजय शंकर तिवारी, जल्दी जल्दी प्लीज। अदिति,
अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव निपटे, बड़ा प्रैक्टिकल सा, बड़ा सीधा सा, भोला सा सवाल है जी। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव निपटे, उत्तर प्रदेश में ओईसी जी ने गठबंधन बनाया 6 पार्टियों का। मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा कितनी सीटें मिली नहीं मिली। उसमें से 5 गैर मुस्लिमों की पार्टी थी और 1 AIMIM थी, उसकी इन्होंने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इनको तो बड़ा सुनहरा मौका था अदिति जी, ये उस गठबंधन में अनाउंस करने का कि अगर हमारा गठबंधन पावर में आता है तो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री एक हिजाबन मुसलमान औरत होगी। अब क्या वारिस भाई ये बता सकते हैं कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिजाबन मुसलमान ओईसी साहब को याद क्यों नहीं आई? वारिस पठान, हमने कहा था ना कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम अगर जीते तो हमने तो हमारे एक दलित भाई का नाम दिया था वामन वेशराम साहब का, कि हम इनको उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। हमने तो उनका नाम दिया था, हमने तो समाजवादी वाले से भी सवाल किया था कि अगर उत्तर प्रदेश में आप जीतते हो तो आप किसी मुसलमान को उप मुख्यमंत्री बनाओगे? नहीं, हम तो इतनी सीटों पर लड़े नहीं, बनाएंगे। अरे इंशाल्लाह, आपको सीधे कहना चाहिए था, आपको सीधे कहना चाहिए था हिजाब लड़की मुख्यमंत्री बनाएंगे, बात खत्म। बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अरे हिजाब पर लड़की, अरे तो आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं कहा भाई, देश की प्रधानमंत्री? अरे आपने बड़े भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओईसी साहब ने क्यों नहीं कही ये बात? ओईसी साहब ने पिछले 1 साल से बोलते आ रहे कि एक दिन देश की प्रधानमंत्री हिजाब बनेगी। 1 साल से बोले जा रहे हैं, जब से हिजाब का मसला चल रहा है बोले जा रहे हैं। अरे हम तो बोलेंगे, हम तो करके मौका था तब बोला नहीं। इतना नहीं है ना, नारी सम्मान की बात करके बिल्किस बानू के कातिलों को छोड़ देते, क्योंकि बिल्किस बानू मुसलमान थी। निर्भया के लिए गए तो आप मैं हम सब खड़े हो गए थे आदिति जी, मगर बिल्किस बानू के कातिलों को जेल में डालने के लिए कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि मुसलमान थी। हाथ पैर जोड़ के रो रही है, रोज बोल रही है कि मेरे कातिल बाहर घूम रहे हैं, मोदी जी उनको सलाख होके पीछे डालो, मगर कोई उसके ऊपर बात करने को तैयार नहीं है, क्योंकि मुसलमान। उसके कातिल आज भी घूम रहे हैं जिन्होंने उसकी माँ का मर्डर और रेप कर दिया, उसकी बहन का रेप मर्डर कर दिया, 3 साल की बच्ची का सर फोड़ के मार दिया, वो सब आजादी घूम रहे हैं, मगर कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं है, जबकि निर्भया के लिए सब खड़े थे। वारिस पठान, बिल्किस बानो जाहिर तौर पर हम खड़े रहे, नहीं नहीं, बिल्किस बानो को लेकर जो सवाल है और हम लड़ेंगे उस केस को लेकर, जो सवाल है वो सवाल है, उन सवालों से कोई भाग नहीं रहा, ना कोई इस पर कोई क्वेश्चन कर रहा उस बात को, जो सवाल उठने चाहिए बिल्कुल उठने चाहिए। भाजपा, लेकिन सुन लीजिए, सुन लीजिए, भाजपा जवाब देगी भाई, भाजपा के लिए सुन लीजिए। आपसे जो सवाल है सर, आपसे, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, पहली बात आपको ये क्लैरिटी है, तो प्लीज मेरे सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए। आपकी जो माइनॉरिटी की डेफिनेशन है, इसमें महिलाएं आती हैं या नहीं आती हैं? संक्षेप में मुझे 3-4 सवाल आपसे पूछने हैं। इसमें महिलाएं आती हैं, मुस्लिम महिलाओं की जगह है या नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब भी हमने महाराष्ट्र के अंदर जो महिला को प्रेसिडेंट, ठीक है, अच्छी बात है, ठीक है, ये आपने जवाब दिया। अब दूसरी बात, दूसरी बात सुन लीजिएगा प्लीज, महाराष्ट्र की जो महिला है, दूसरी बात सुन लीजिए, आप बिल्किस बानो की चिंता करते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, हर किसी के लिए इंसाफ की बात होनी चाहिए। फिर ट्रिपल तलाक, आप मुझे बोलने दीजिए वारिस पठान प्लीज, ट्रिपल तलाक पर फिर क्यों आपकी पार्टी साथ खड़ी नहीं होती? उसमें महिलाओं के लिए इंसाफ नहीं है? वहां पर रिलीजन क्यों आड़े आ जाता है? नहीं, नहीं, आ क्यों नहीं खड़ी होती? हिजाब पर आप ये कहते हैं कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस बताने की इसे कोशिश करते हैं, जो कि अपने आप में डिबेटेबल है, जिसे लेकर कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया। आप महिला अधिकारों को लेकर हिजाबी पीएम तो आप देखना चाहते हैं, लेकिन हिजाबी पीएम के लिए जो बेस बनेगा वो क्या कहीं और से आएगा क्या सर? कहीं से एक्सपोर्ट करके लाएंगे क्या, या इम्पोर्ट होगा कहीं से, क्या होगा? मैं तो नहीं समझ पाई अभी तक, इंपोर्ट करेंगे कहीं से वो बेस? हमारी हिजाबी पीएम बनने के लिए एक नंबर चाहिए होगा जनाब। आदिति जी, बेस बनेगा, आप फिकर मत करिए, इंशाल्लाह ताला बेस बनेगा, मेहनत करेंगे, पढ़ेगी लिखेगी हमारी बच्चियां भी, और काबिल अफ्ताब बनेगी, एक दिन कामयाब होगी, आप देखते जाइए। अरे आप तो उसमें हिजाब का अड़ंगा लगा रहे हैं सर, बन जाएंगे ब्रिटेन के बच्चियों को काबिल बनाने की बात कर रहे हैं, हिजाब का अड़ंगा लगा रहे हैं सर, आप उन्हें ड्रेस कोड का फर्क नहीं समझा रहे हैं? अड़ंगा तो बीजेपी लगा रही है, और रिलीजन का फर्क नहीं समझा रहे हैं, लगा रही है। आप उन्हें नहीं सिखा रहे हैं कि ज्ञान और पर्दे में क्या अंतर है, और पर्दा कहाँ करना चाहिए और ज्ञान कहाँ हासिल करना चाहिए? अच्छा सुनिए, अड़ंगा भाजपा लगा रही है,
मोदी जी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटी को पढ़ना है उसका फ्रीडम ऑफ चॉइस है, उसको पहनना है हिजाब और जाके स्कूल कॉलेज में पढ़ना है तो उसको रोका जाता है। ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है ना सर, ये जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, पढ़ंगा कौन लगा रहा है ना, ना फ्रीडम ऑफ चॉइस कहाँ से स्टार्ट होता है? आप अपनी मर्जी के कपड़े पहनते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस स्टार्ट कहाँ से होता है? आप 5 साल की 6 साल की 7 साल की 8 साल की 9 साल की बच्ची को कहते हैं फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वो चुनने में सक्षम है, उसके लिए क्या सही क्या गलत है? अच्छा चलिए एक और सवाल का जवाब दीजिए मुझे, गुजरात असेंबली में कितनी महिलाओं को टिकट देंगे आप? चलिए एक छोटा मेरा वन लास्ट क्वेश्चन, गुजरात असेंबली चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट देंगे आप? इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा देंगे, ये टीवी पे बैठ के तो नहीं बोल सकते। नहीं नहीं, तो फिर भी एक रफ एस्टिमेट होगा आपके जहन में जब महिलाओं के लिए विजन की बात करते हैं। फिलहाल तो हम डिसाइड करेंगे, बिल्कुल फिलहाल तो डिसाइड होगा कि कितनी 30% देंगे, 40% देंगे, 50% देंगे, 10% देंगे। एक महिला को तुमने दे दिया, अरे आदि दीदी 4 में 1 को दे दिया, मगर बताओ भाजपा वाले कितनी महिलाओं को देने वाले, आम आदमी कितनी महिलाओं को देंगे, कांग्रेस कितनी महिलाओं को? अभी आम आदमी पार्टी तो नया गेम खेला हिंदुत्व का, नोट के ऊपर पता है ना आपको गांधी जी के। मैं आपसे जो सवाल पूछूं सवाल का जवाब आप दे नहीं रहे मुझे, केजरीवाल को उस सवाल का जवाब मुझे नहीं दे रहे। अगर कांग्रेस और बीजेपी सुनिए ध्यान से, जिन पर आप उंगली उठाते हैं अगर आपको वही बनना है तो फिर नहीं बोल सकते आज के, आपको बीजेपी और कांग्रेस ही बनना है तो फिर एआईएमआईएम में कोई फर्क नहीं है। रिजवान अहमद जल्दी से एक कमेंट, आपका मुझे शो क्लोज करना है प्लीज, आप लगातार काउंटर करना चाह रहे थे प्लीज। अदिति जी जो कौम शाहबानों के साथ नहीं खड़ी हुई, जो कौम 2017 में सायरा बानों के साथ खड़ी नहीं हुई, वो कौम कभी भी अपनी औरतों के साथ खड़ी नहीं हो सकती, अंडरलाइन फुल स्टॉप पीरियड, कभी नहीं हो सकती। जितना भी जो ये वो कहते हैं ना शेरनी शेरनी मुस्कान को, जिस दिन मुस्कान ने 4 शादी पर और तलाक हसन पर सवाल उठा दिया, यही उसको शेरनी शेरनी बोलने वाले उसे जूतों से मारेंगे, जूतों से, और दुनिया ये तमाशा देखेगी। औरत इनके लिए शेरनी तभी तक है जब तक उसका पट्टा उसकी चेन इनके हाथ में हो और वो इनकी भाषा बोले। ठीक है, जिसको बोला जाता है। शो में वक्त इतना ही है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर कुल मिलाकर बड़ा सवाल यही है, जब माइनॉरिटीज की बात की जाती है तो उसमें महिलाओं को किस दर्जे पर रखा जाता है, और जब हिजाबी पीएम की बात की जाती है तो खुद एआईएमआईएम में उन महिलाओं के लिए विजन क्या है, क्या एआईएमआईएम की प्रमुख एक महिला बन सकती है? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड है, और बनेगी तो कब तक बनेगी? अब आपके लिए सोचने वाली बात यह है कि इस देश में वाकई हिंदू और मुसलमान नाम की दो गहरी आग की लकीरें खींच दी गई हैं, ऐसी लकीरें जो खानपान से लेकर पहनावे से लेकर त्योहारों तक क्या लोगों को बांट नहीं रही हैं? क्या वाकई इस देश में मुसलमानों से नफरत की बेल बढ़ रही है, गला घोट रही है? क्या आपका बच्चा भी कभी आपसे ये पूछता है कि हम हिंदू हैं तो उसका जिगरी मुसलमान दोस्त आज पराया सा क्यों लगने लगा? सोचिएगा जरूर, क्या ये परायापन हिंदू मुस्लिम पर चल रही सियासत का साइड इफेक्ट तो नहीं? वोट है तो धर्म है, धर्म है तो धर्म के नाम पर लकीरें खींचने की राजनीति और रणनीति दोनों। सोचिएगा जरूर कि ओवैसी साहब को ये बोलना क्यों पड़ रहा है कि हिजाबी लड़की एक दिन देश की प्रधानमंत्री बनेगी, जैसे प्रधानमंत्री का पद भी हिंदू मुसलमान की लकीरों में बांटा जा सकता हो, और इसी वजह से दाढ़ी टोपी और हलाल मीट का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय एजेंडा बनता जा रहा है। सोचिएगा जरूर, देश में धर्म युद्ध नहीं छिड़ा है, लेकिन देश के चतुर नेताओं की चली तो धर्म को युद्ध का हथियार बनाकर वोटों की फसल तो वो काट ही लेंगे। सोचिएगा जरूर, जब धर्म के आधार पर हिंसा होती है तो सुरक्षा सुरक्षा का जिन बोतल से निकलेगा, जब धर्म देखकर बुलडोजर रास्ता तय करेगा तो विक्टिम कार्ड खेला जाएगा ही। यानी भारत की सियासत जैसे शतरंज की एक बड़ी बिसात है जिसमें हर मोहरा हिंदू मुसलमान बन चुका है और हर नेता शय और मात का खेल खेल रहा है। विडंबना यह है कि हार या जीत किसी एक की नहीं होगी इस बिसात पर, तो हार सिर्फ मुल्क की होगी, यानी हमारी आपकी भारतीयों की। कसम संविधान की। मैं फिलहाल इतना ही।